चला रहा हूँ। अच्छा हूँ तैयब भाई असलम अपना मगर भाई यह डीकम्पोज तैयार किया अपना खुद है जी। चार ड्रम तकरीबन पाँच और 10 किलो अपना सरों वाली खल, 3 किलो गुड़, 1 किलो चावल, 1 किलो अपना बेसन। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मैं इबरार नंबरदार एडवांस्ड एग्रीकल्चर टेक्निक्स चैनल से। अज असी मौजूद हाँ चिश्तियां दे इलाके डेरा डारा वाले दे। इत्थे वेस्ट डी कंपोज तो फसल तैयार की गई है और कपास की फसल है जिथे असी मौजूद हाँ। तो यह तैयब भाई ने जिन्हां दे असी इस टाइम फार्म ते खड़ोते हैं, तो इन्होंने अलहमदुल्ला कोई 10-12 एकड़ जी है ना जी ये वेस्ट डी कंपोज ते तैयार की आ। और सानू बड़ी खुशी हुई है फसल देख के कि माशाल्लाह इन्हां दी फसल बड़ी बेहतरीन और सरसबज और मतलब फल दे नाल भरपूर भरी हुई है, तुसी देख सकते जे। तो ये जनाब असी इन्हां को अज इंटरव्यू लवांगे। मेरे नाल मेरे दोस्त हैगे मज़र अमीन चक्कोका जिहड़े मिंचनाबाद तो तलक रखते हैं, तो मैं उन्होंने कहा कि जरा तैयब भाई का इंटरव्यू कर कि वेस्ट डी कंपोज जिहड़ा हैगा वो उन्होंने मतलब कितों हासिल किया, किस तरह इन्हें इस्तेमाल किया और किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां इन्होंने पाईया, और ये किसान वीरां नूं पूरी इन्फॉर्मेशन देन कि इहनूं किहड़ी किहड़ी फसल ते किस तरह इस्तेमाल किया जाता और किस तरह उन्होंने इस्तेमाल किया, तो लोग भी फायदा उठाउण और जिहड़े वीडियो देख रहे मेरे किसान भाई उन्हां दा भी फायदा होवे और कम खर्चे ते अपनी फसल जिहड़ी हैगी ना उह तैयार कर सकन। तो मैं तैयब भाई नूं गुजारिश करांगा कि वो ये अपना जिहड़ा ना पूरी इन्फॉर्मेशन देन, ते आओ चलदे हैं उन्हां दी तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मज़र अमीन चक्कोकाड और इसके बाद आज हम आए हैं डारा वाले में। डारा वाले में तैयब भाई हैं जो कि कमोबेश 4-5 मरबों के काश्तकार हैं और उनका ख़ास कर जिसका हम विज़िट करने आए हैं सी वो है काटन। काटन किस पर है वो वेस्ट डी कम्पोज़र पर उन्होंने जो पाली है इस वक्त तक खड़ी है सी उसके बारे में तैयब साहब से पूछूंगा। तैयब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तैयब भाई अपना पहले तारफ करा दें। तैयब चौधरी जी डारा वाला तो चक नंबर 176 मुराद तहसील चिश्तियां डिस्ट्रिक्ट भावनगर जी। अज दोस्त आए जी मज़र अमीन चक्कोका साहब नरमा काटन चैक करने वास्ते। काटन का चैक करवाई आ और टोटल तकरीबन मई के पहले हफ्ते की तकरीबन काटन की बिजाई है आ और टोटल ही डीकम्पोज ते तैयार करवाया गया। अच्छा वेस्ट डीकम्पोजर कितने अरसे इस्तेमाल कर रहे हैं? ये वेस्ट डीकम्पोजर पिछली जी गंदम है ना जी उस गंदम तो असी कर रहे हैं तकरीबन कोई जनवरी फरवरी तो जो गंदम नू पानी पहला लाया सी ना दसंबर दे विच आखिरी हफ्ते च उस तों बाद उदों पहले हफ्ते असी डीकम्पोजर असी गंदम नू भी इस्तेमाल करवाया, बाद दे विच असी काटन नू भी इस्तेमाल करवाया और पपीते की फसल नू भी त्यार करवाया प्लस मक्की हैगी मक्की नू भी असी उहनू उह वेस्ट डीकम्पोजर जो कल्ला सादा इस्तेमाल कर रहे जी उहदे विच कोई चीज़ां इस्तेमाल कर रहे? असी डीकम्पोजर मेरे दोस्त ने हासिलपुर तों चौरी जहीर जी उन्होंने मैनू भजवाया सीगा। दो तरह का सी एक पाउडर फार्म दे विच सीगा एक लिक्विड फार्म दे विच सीगा। वो असी दोने ही तैयार करके लहदा लहदा असी वो असी अपने गंदम नू भी उही इस्तेमाल करवाया और काटन भी असी वही इस्तेमाल करवाया। काटन भी इस्तेमाल और उनके वेस्ट डीकम्पोजर दे विच तुसी की चीज़ इस्तेमाल कर रहे? वेस्ट डीकम्पोजर दे विच असी 220 लीटर ड्रम हैगा उनके असी 10 किलो अपना कोलू वाली सरों वाली जी है कौड़ी सरों कह लीजिए वो 10 किलो और 1 किलो चावल 1 किलो बेसन और 3 किलो गुड़ ये असी इंदा जाग ला दी दा कम से कम 10 दिन तो बाद जाके असी वो दोबारा तैयार हो जाता फिर असी उन्हों पानी दे जरिए असी अपनी फसल सारे नू असी वो 200 लीटर पर एकड़ 200 लीटर पर एकड़ हर 8वें दिन 10वें दिन बाद या ये असी तकरीबन 15 दिन दे विच 200 लीटर असी इस्तेमाल करते हैं पानी जदों भी लाया असी अपनी फसल नू कम से कम 100 लीटर 150 लीटर असी तैयार करके अपनी फसल नू काटन नू ऐ दिता हैगा और टोटल ही काटन आरगैनिक ते ऐ खड़ी हैगी आ। अच्छा यूरिया नहीं है? कोई यूरिया नहीं। डीएपी दी एक बोरी सिर्फ इस्तेमाल की आ अपने जेहन नू सैटिस्फाई करने वास्ते। अच्छा सिर्फ भी ताकि इंदा होर मजीद नैक्सट आने वाले वक्त दे विच डीएपी भी असी छड़ जावांगे ताकि कोई थोड़ा जा बहुता जिहड़ा कोई भी जिहड़ा होमिक एसिड ना जिंक ना होमिक एसिड ना पोटाश ना गवारा ना एनपी के कुछ नहीं। अच्छा जिस टाइम वेस्ट डीकम्पोजर तुसी तैयार कर लिया फिर 200 लीटर लिया ते नके ते रख ते उहनूं इस्तेमाल करके ते रख के असी एक एकड़ नूं असी तकरीबन 100 लीटर 150 लीटर असी तकरीबन कोई
हर जगह जिस टाइम असी पानी अपनी फसल लाया ना उस टाइम असी दिता है ते कमो बेस जी काटन की फसल खड़ी है इस टाइम ये मौजूद है इनू वेस्ट डिकम्पोजर कितना इस्तेमाल हो चुका है तकरीबन कोई एक एकड़ 250-300 लीटर जो है ना जी वो इस्तेमाल असी कर चुके हैं इसका मतलब है कि बहुत थोड़ा किया लोग तो कहते हैं हज़ार लीटर इस्तेमाल असी नहीं देखो तकरीबन जिन्ना असी तैयार किया असी तो उन्ना ही दसना असी इस तरह कह दिए जी 1000 लीटर इस्तेमाल किया नहीं तकरीबन कोई ज्यादा तो ज्यादा कोई 300 लीटर तक असी गए हैं 300 लीटर तक यह पोजिशन आ साड़ी काटन की फसल की। अच्छा जी तो ये भाई बता रहे हैं कि मई के पहले हफ्ते च यह काश्त किया गया इसी ये काटन तो बाद उन्होंने DAP कली डाली है बाकी वेस्ट डिकम्पोजर का उन्होंने तरीकाकार दस दिता है कि चीज़ उनके इस्तेमाल की गई है और दोनों दिखा दिए करीब तो। अच्छा इतने दिखावा जी थोड़ा जी ये काटन है इसकी तकरीबन फ्रूटिंग देख लें इसको यूरिया कोई इस्तेमाल नहीं की हुई सिर्फ और सिर्फ एक बोरी DAP इसको है और 12 एकड़ पर ऑर्गेनिक खड़ी है इस वक्त टोटल 12 एकड़ है तकरीबन टोटल ऑर्गेनिक के ऊपर। अच्छा कुछ दोस्त कहेंगे कि ये ऑर्गेनिक हो नहीं सकती क्योंकि आपने DAP भी डाल दी है चलो DAP डालने तो बाद आखिर अखराजात तो बहुत कम हुए हैं ना और इनू तुसी ऐ चेक करो इनू ना तो कोई व्हाइट फ्लाई दा ज्यादा अटैक हैगा दिखावे जी ठीक है जी बिल्कुल साफ शफाफ ना कोई थ्रिप्स ना कोई थ्रिप्स दा कोई अटैक हैगा ये किस वेस्ट डिकंपोजर दा इस्तेमाल ए टोटल वेस्ट डिकंपोजर दे फायदा ए हैगा कि जिन्निया असी असी दूसरा इस्तेमाल करदे आ ना अपना ਜ਼ਰੀਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਤ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਸਪਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੇਸਟ ਡਿਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਸਪਰੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੇਸਟ ਡਿਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਸਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਐਡੀਟਰ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਸਬਸ ਤੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਰਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਔਰ ਬਸ ਇਹੀ ਸਫੈਦ ਮੱਖੀ ਔਰ ਸਬਸ ਤੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸਪਰੇ ਥ੍ਰਿਪਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਅੱਛਾ ਥ੍ਰਿਪਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਥ੍ਰਿਪਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਚਾਰ ਪੰਜ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਇਬਰਾਨ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਓ ਸੀ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਗਿਨੇ ਇਸਕੋ ਗਿਨ ਲੇ ਜਾਂ ਵੇਸਟ ਡਿਕੰਪੋਜ਼ਰ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਸਟ ਡਿਕੰਪੋਜ਼ਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਮਾਰੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਯਬ ਭਾਈ ਕਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਸਕਰੀਨ ਪਰ ਔਰ ਇਨਸੇ ਮਜ਼ੀਦ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੇ ਆਪ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਕੋ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਪਰ ਬਤਾ ਦੇਂਗੇ ਕਿ ਆਪ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਵੇਸਟ ਡਿਕੰਪੋਜ਼ਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ कैसे कैसे करना है थी और ये आपके सामने है थी देख लें सी इतनी फसल है तो इसके अलावा आप मुतमिन हैं वेस्ट डिकम्पोजर इस्तेमाल करना मगर भाई असी तो बहुत ज़्यादा मुतमिन है हैं पैरी प्रक्सीफन सिर्फ एक स्प्रे की अच्छा और उस तो बाद एक असी अपना डारवन के नाम तो एक प्रोडक्ट है अच्छा उनदियाँ दो स्प्रेयां कीतियां टोटल यानी कि 2-3 स्प्रेयां कीतियां नहीं तो जिथे जी स्प्रेयां कम से कम 10-12 स्प्रे ठीक है जी फिर उस तो बाद असी 2 बोरी DAP जिक्र करने का असल मकसद यह है कि हमारे अखराजात बहुत कम और हमारी फसल बहुत अच्छी जबरदस्त है कि अखराजात जब कम होंगे तो आमदन अगर कोई कम भी होगी ना तो वो हमारे लिए बेहतर है सी तो मैं बार बार फिर आपको कहूँगा कि एक दफ़ा फिर बता दें कि वेस्ट डिकम्पोजर में आपने कौन कौन सी वेस्ट डिकम्पोजर मज़र भाई जिस दोस्त को मंगवाया ना जी 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 अगर तेन चीज़ खालस मिल जाए उन दो नंबर ही ना हो जी जी हूँ डिकम्पोजर कुछ मैं अबरार भाई को मंगवाया सीगा काढ़े वाले तो अच्छा वो भी मैं इन्हें इस्तेमाल किया और जीर भाई का हैगा सी हासलपुर वाले का वो भी इन्हें मैं इस्तेमाल किया है ठीक है जी फिर मैनू एक अपने फोलियर वास्ते डॉक्टर आरफ साहब ने मैनू एक फैसलाबाद तो उन्होंने एक प्रोडक्ट भेजा सी अच्छा वो मैं अपने एक इनू मैं करवाई है अपने ऐसे एक फसल नू काटन नू और दो करवाइया अपने पपीते नू अच्छा जी यानी कि बिल्कुल ना होने दे बराबर स्ट्रैस हैगा कोई कुछ नहीं हालांकि दोस्तों के नरमे थलों काले शाह होए हुए ने बिल्कुल सफेद मक्खी ने एक पौधा या एक पत्ता भी जड़ा ना जी जी वो भी इंशाल्लाह वो काला नहीं होएगा यह देख लो सर नहीं होया सी काला जी बिल्कुल नहीं होया सी
तो आखिरी पैगाम मेरा भी है और तरीय भाई का भी है कि आप वेस्ट कंपोजर इस्तेमाल करें, ऐसा ऐसा बाकी केमिकल खादें छोड़ दें, यक मुश्त ना छोड़ें। आप कहते हैं कि औसत कम, अगर आपकी औसत 3-4-5 मन कम भी आ जाती है तो अखराजात भी बहुत कम आ जाएंगे। और ज़मीन आपकी, इसकी ज़मीन की हालत दिखाएं थोड़ा सा, ये है ज़मीन की हालत जी वेस्ट कंपोजर इस्तेमाल करने से ना, ये देख लें ज़मीन ज़रखेज़, देखो ना जी ज़मीन जड़ी है गया, देखो ना। हाँ जी बिल्कुल, यानी कि नरम, बहुत ज़मीन नरम है। हाँ जी हाँ जी। तो और मतलब भाई इंदा ना डीकंपोजर का फायदा ये हैगा, टिंडे का साइज भी ठीक हैगा। हाँ जी साइज भी ठीक है सी, ये नहीं भी टिंडे का साइज छोटा हैगा, नहीं टिंडे का साइज भी ठीक हैगा, खड़ाओ भी ठीक हैगा, इंदा कोई मसला नहीं हैगा इंदा जी। सर जी भाई अपना तो ये भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन दोस्तों के आपको काले आए उनको बता देना ज़रूर कि वेस्ट डीकंपोजर इस्तेमाल करने का तरीका। मैं नंबर आपका फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ कि नंबर मैं आपका दे दूँगा वीडियो पर, तो उनसे कोऑपरेट करना। वस्सलाम जी। ओके जी, वालेकुम सलाम। चला रहा हूँ। अच्छा हूँ तैयब भाई असलम, अपना मदर भाई यह डीकम्पोज तैयार किया अपना खुद है जी, 4 ड्रम तकरीबन 5 और 10 किलो अपना सरों वाली खल, 3 किलो गुड़, 1 किलो चावल, 1 किलो अपना बेसन और डीकम्पोजर कोई सेल साहब को अपना लिया हुआ सी, अपना वजीर भाई ने हासिलपुर वाले जी जी, उन्होंने कुछ अपना बरार भाई ने भेजा सी, असि चार तैयार करते हैं वो तकरीबन जो कोई 40 लीटर रह जाता वह भी कड़ ली, 40 लीटर रह जाता दोबारा कड के इस्तेमाल कर ली, तो बकैर 40 लीटर दोबारा फिर उ अपना खल गुड़ शुड़ पा के दिन दोबारा तैयार साढ़े वाला भी बेची रलाया गोल ड्रम है, चार ड्रमां बेची मिक्स है। तकरीबन 2 एकड़ ढाई एकड़ दो ढाई एकड़ ड्रम कर लिया कैना के उही कुछ ही पिया है, ऐडा जो हो जाता तैयार कट के फिर कैना च पा ली, फिर उस तो बाद दोबारा फिर ड्रम तैयार कर जी। वस्सलाम।